हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका द हिंदी स्क्रीन में, आपका फेवरेट मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। तो चलिए आज एक बार फिर लेकर आए हैं हम आपके लिए एक ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन जो आपको रोमांच से भर देगी। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2022 में रिलीज हुई मूवी द स्विमर्स को, जो एक सच्ची घटना से प्रेरित होकर बनाई गई है। ये कहानी है दो बहनों की जो अपना सपना पूरा करने के लिए अपने देश को छोड़कर दूसरे देश चली जाती हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां हमें बहुत सारे लोग पूल में तैरते हुए दिखाए जाते हैं। यहां हम दो बहनों को भी देखते हैं जो स्विमर्स हैं, जिसमें छोटी बहन का नाम युसरा मार्दिनी है और बड़ी बहन का नाम सारा मार्दिनी है। इनके कोच इनके फादर ही होते हैं, जिनका नाम है इज्जत मार्दिनी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रैक्टिस के बाद दोनों बहनें अपने घर पहुंचती हैं, जहां वो देखती हैं कि फैमिली मेंबर्स ने एक बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है, क्योंकि आज युसरा का बर्थडे था। सभी फैमिली मेंबर उसके पहुंचने पर हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गाकर सरप्राइज देते हैं। युसरा की फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स थे, उनके पेरेंट्स और उसकी दो बहनें। घर में सभी लोग एंजॉय कर रहे थे और सारा लैपटॉप में न्यूज देख रही थी। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। सारा देख रही थी कि कैसे उनकी कंट्री सीरिया में धीरे धीरे सिविल वॉर बहुत बढ़ रहा है, लेकिन सारा की माँ उसे वहां से ले जाती है, पार्टी इंजॉय करने को कहती है। फिर यहाँ इज्जत सबको बताते हैं कि मुझे अपनी तीनों बेटियों पर बहुत नाज है, एक दिन बहुत बड़ी स्विमर्स ये बनेंगी और ओलंपिक्स में जाकर मेडल जीतेंगी। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि उनके फादर का यह सपना है कि उनकी बेटियाँ ओलंपिक खेलने जाएं, क्योंकि पहले वो भी ओलंपिक्स में जाना चाहते थे, लेकिन फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिलिट्री ज्वाइन करने की वजह से उनका स्विमिंग कैरियर पीछे छूट गया, और इसलिए अब उन्होंने अपनी बेटियों को प्रैक्टिस देना शुरू कर दिया था। इसके बाद हम सीधे 4 साल के बाद के समय को देखते हैं, और साल होता है 2015 का, जहां हम युसरा और सारा को नाइट क्लब में डांस पार्टी करते देखते हैं। और इस टाइम वो दोनों देखते हैं कि उनके शहर पर बम गिर रहे हैं, लेकिन वो लोग इस पर ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि इनके लिए ये एक बहुत नॉर्मल हो। और यहां हमें पता चलता है कि सीरिया चारों तरफ से सिविल वॉर में घिर चुका है। हर तरफ शहर में सोल्जर्स तैनात थे। यहाँ लोगों के लिए रहना और सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ फिर सारा युसरा से कहती है कि हमें अपनी लाइफ खोलकर जीनी चाहिए, और इसके लिए अगर हमें कुछ रूल्स भी तोड़ना पड़े तो फिक्र नहीं करनी चाहिए। लेकिन युसरा की सोच ऐसी नहीं थी, वो स्विमिंग के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होती है। हालांकि शहर की हालत पूरी तरह से खराब होती है, लेकिन वो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ फिर पार्टी करने के बाद हम इन दोनों की फ्रेंड को देखते हैं, जिसका नाम हाला होता है। वो इन दोनों को घर छोड़ देती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद सारा को पता चलता है कि हाला जर्मनी चली गई है, और वो वहां से कुछ दिनों बाद अपनी फैमिली को बुलाने के लिए अप्लाई करेगी और अपने पेरेंट्स को भी वहां बुला लेगी, और वो लोग इस वॉर वाली कंडीशन से बाहर निकल जाएंगे। और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसकी एज अभी 17 साल की थी, और जिनकी उम्र 17 साल से कम है वो लोग जर्मनी में अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। और जर्मनी का यही रोल उनकी फ्रेंड हाला ने फॉलो किया था। घर आने के बाद फिर सारा अपने फादर को अपनी दोस्त के बारे में बताती है, और वो ये भी कहती है कि मैं और युसरा भी ऐसे वहां जा सकते हैं, और फिर फैमिली रीयूनियन के लिए अप्लाई करके आप लोगों को भी बुला लेंगे। और क्योंकि युसरा की एज 17 साल थी, इसलिए सारा ने ये प्लान बनाया था, लेकिन उसके फादर इसके लिए साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों को अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो युसरा को स्विंग प्रैक्टिस के लिए ले जाते हैं, और जब वो वहां प्रैक्टिस कर रही होती है तो वहां बाहर बम गिरने शुरू हो जाते हैं, और एक बॉम्ब स्विंग पूल के अंदर आकर गिरता है, और वो युसरा के एकदम सामने ही आकर गिरता है, जिसे देखकर युसरा बहुत घबरा जाती है और पूल में कूद जाती है। वहां का सारा मलबा पूल में बहने लगता है, लेकिन युसरा के पिता किसी तरह युसरा को पूल से बाहर निकाल लेते हैं। घर आकर फिर युसरा अपने फादर को बताती है कि निसार भी जर्मनी जा रहा है। निसार इनका कजन होता है, जिसके बाद फिर युसरा की मॉम इज्जत से कहती है कि वो इनका भाई है, वो इन दोनों का अच्छे से ध्यान रखेगा। तो ये बात सुनकर उनके फादर दोनों बहनों को जर्मनी भेजने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो अपने बच्चों को कुछ पैसे देते हैं, क्योंकि वो तीनों रिफ्यूजी की तरह जा रहे थे, तो उनको पैसों की जरूरत तो पड़नी ही थी, और वो युसरा को उसके जीते हुए मेडल्स भी देते हैं और कहते हैं कि तुम वहां पहुंचकर सबको बताना कि तुम अपने देश के लिए तैरती हो। फिर सारा और युसरा दोनों बहनें निकल पड़ती हैं अपनी आजादी की तरफ, अपना सपना पूरा करने के लिए। फिर वो तीनों
सारा, युसरा और निसार एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से इस्तांबुल के लिए फ्लाइट ले लेते हैं। और फ्लाइट जैसे ही वहां से टेक ऑफ होता है तो इन लोगों को एहसास हो जाता है कि अब हम लोग रिफ्यूजीज बन गए हैं। फिर इस्तांबुल पहुंचने के बाद वो तीनों एक रिफ्यूजी सेंटर में जाते हैं और वहां से लेस्बोस जाने का रास्ता ढूंढते हैं, जहां फिर निसार को एक व्यक्ति मिलता है जो उसे बताता है कि मैं आप लोगों को बोट के जरिए लेस्बोस पहुंचा दूंगा। फिर युसरा कहती है कि हमारे फादर ने बोट के रास्ते से जाने से मना किया था, वो रास्ता बहुत डेंजरस होता है। जिसके बाद फिर निसार कहता है कि अगर हम लोग बल्गेरिया तक पैदल जाएंगे तो वो रास्ता बहुत लंबा होगा। फिर वो तीनों आपस में बात करके तय कर लेते हैं कि वो एक शॉर्ट और आसान रास्ते से होकर जाएंगे। फिर वो आदमी इन तीन लोगों को एक बस में बैठा देता है और 10 घंटे ट्रैवल करने के बाद वो लोग एक जगह पहुंचते हैं जहां वो आदमी इन तीनों को बस से उतारता है और बताता है कि अब हम लोग यहां से बोट के जरिए ग्रीस जाएंगे। यहां वो तीनों और लोगों से भी मिलते हैं जो अलग अलग देशों से आए थे और वो लोग भी अपनी अपनी परेशानियों की वजह से अलग अलग देश जा रहे थे। सारा वहां ईडन नाम के एक लड़के से दोस्ती करती है जो कि अफगानिस्तान से आया था और वो भी जर्मनी जाने की प्लानिंग कर रहा होता है। जिस आदमी ने इनसे पैसे लिए थे वो उनके पास बोट लेकर आता है, लेकिन बोट की हालत बहुत खराब होती है और उसका इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन ये सब और कुछ नहीं कर सकते थे और मजबूरी में उन्हें उसी बोट पर बैठना पड़ता है और उसी खराब बोट पर बैठकर उन्हें मेडिटेरियन सी को पार करना होगा, जिसके बाद वो आदमी उन सभी लोगों को बोट पर बैठाकर बोट को स्टार्ट कर देता है और बोट अब पानी में आके पड़ने लगती है, जिसका मतलब था कि वो आदमी इनके साथ नहीं आएगा और अब इन सभी लोगों को अपनी आगे की जर्नी अकेले ही तय करनी होगी। फिर युसरा बोट में बैठे लोगों से पूछती है कि आप लोगों में से कितने लोगों को तैरना आता है, तो उसमें से बहुत कम लोगों को ही तैरना आता था। जिस पर वो कहती है कि जिन लोगों को तैरना आता है वो एक एक आदमी को चूज कर लें और मुसीबत के समय उनकी मदद करें। और फिर इनकी बोट जब थोड़ा आगे बढ़ती है तो उसके बाद उसमें लहरों का पानी भरना शुरू हो जाता है और बोट का इंजन बंद भी हो जाता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं, वो सभी टेंशन में आ जाते हैं कि अब आगे हम क्या करेंगे, और बोट में लहरों का पानी भी भर रहा होता है तो ये लोग हाथों से पानी निकाल रहे होते हैं। जिसके बाद फिर वो सब कहते हैं कि हमें बोट पर वजन कम करना होगा, नहीं तो ये बोट पानी में डूब जाएगी। तो फिर ये लोग डिसाइड करते हैं जो भी ज्यादा सामान इंपॉर्टेंट नहीं है उसे पानी में फेंक दिया जाए, और फिर वो सब अपना अपना गैर जरूरी सामान पानी में फेंकने लगते हैं और मजबूरी में युसरा को अपने मेडल्स को भी पानी में फेंकना पड़ता है जिनको उसने कई चैंपियनशिप्स में जीता था। लेकिन इससे भी बोट पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अभी भी डूबने की कगार पर थी। तो सारा जो युसरा से बड़ी बहन थी वो डिसाइड करती है कि वो बोट से उतर जाएगी और आगे का सफर तैरते हुए पूरा करेगी। वो एक रस्सी को अपने लाइफ जैकेट से बांधती है और पानी में कूद जाती है, और फिर युसरा भी ऐसा ही करती है, वो भी अपनी जैकेट को रस्सी से बांध कर पानी में कूद जाती है। जिसके बाद बोट बैलेंस हो जाती है और इंजन भी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो दोनों फिर भी बोट पर नहीं आती और वहां से तैरते हुए वो ग्रीस तक जाती हैं। और अब सुबह तक वो लोग ग्रीस पहुंच जाते हैं। इससे उन दोनों ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली होती है। इसके बाद वो लोग वहां से पैदल आगे चलने लगते हैं, जहां वो देखते हैं कि बहुत सारी मात्रा में लाइफ जैकेट वहां पड़ी होती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि हजारों रिफ्यूजी ऐसे हैं जो स्ट्रगल करते हुए समुद्र के रास्ते यहां तक आए हैं। वहां पहुंचने पर फिर उन लोगों को यूनिसेफ के वर्कर्स मिलते हैं जो उन लोगों को जरूरत का सारा सामान देते हैं, और यहां हमको पता चलता है कि सारे रिफ्यूजीज में अच्छी दोस्ती हो गई होती है। यहां एक शादा नाम की लेडी भी होती है जो युसरा को बताती है कि मैं इरिटेरिया से आई हूं। फिर युसरा भी उसे बताती है कि मेरा भी सपना है कि मैं ओलंपिक्स में जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। वहां से फिर वो लोग आगे पैदल चलना शुरू कर देते हैं, जहां उन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है और उनको हेल्प ऑफर करता है और कहता है कि आप लोगों को मैं बॉर्डर सेफली क्रॉस करा दूंगा। वो इन लोगों से पैसे लेता है और सबको गाड़ी में बैठाता है, और थोड़ा आगे ले जाने के बाद वो उन सबको जंगल में उतार देता है और वहां से चला जाता है। फिर वो सभी लोग जंगल में ऐसे ही फंस जाते हैं। फिर वहां एक लेडी आती है और सभी को पैसे लेकर बॉर्डर क्रॉस करवा देती है। फिर हंगरी पहुंचने के बाद वो लोग एक गैराज में रुके होते हैं, जहां एक वर्कर युसरा को फिजिकली हैरेस करने की कोशिश करता है, और तभी सारा वहां जाती है और उसे वहां से भगा देती है। यहां से फिर एक ट्रक इन लोगों को जर्मनी लेकर जा रहा होता है, लेकिन युसरा उसमें जाने से मना कर देती है क्योंकि वो दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करनी चाहती थी। और निसार और सारा भी युसरा का साथ देते हैं और वो तीनों इस ट्रक से नहीं जाते। इसके बाद वो तीनों एक होटल में रुकते हैं, जहां पर निसार को पता चलता है कि एक बस रिफ्यूजीज को जर्मनी लेकर जा रही है। जिसके बाद वो तीनों भाई बहन उस बस में बैठकर जर्मनी पहुंच जाते हैं। जर्मनी पहुंचने के बाद तीनों अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं रिफ्यूजी सेंटर में,
और वहां टीवी पर सीरिया की न्यूज चल रही थी, जिसे देखकर सारा सोचती है कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ युसरा ओलंपिक में जाने के बारे में सोचती है। फिर वो दोनों वहां एक स्विमिंग क्लब ढूंढ लेते हैं, जहां के कोच स्वेन से बात करती है। वो स्वेन को अपनी स्विमिंग की टाइमिंग बताती है और स्वेन उनको एक चांस देने के लिए तैयार हो जाता है। युसरा फिर यहां स्वेन के सामने अपने आप को प्रूफ करती है और स्वेन उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। एक दिन युसरा फिर स्वेन को बताती है कि वो ओलंपिक्स में जाना चाहती है, तो वो सीरियन नेशनल टीम से कॉन्टैक्ट करे और उनसे युसरा के बारे में कहे। स्वेन कॉन्फिडेंट नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो युसरा के कॉन्फिडेंस को देखकर इंप्रेस्ड था। उसने दोनों बहनों को रहने के लिए जगह भी दी होती है, ताकि वो दोनों अपनी स्विमिंग करियर पर अच्छे से फोकस कर पाए। फिर सारा को पता चलता है कि युसरा फैमिली रीयूनियन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, क्योंकि युसरा 3 महीने बाद 18 साल की हो जाएगी और इस काम को पूरा करने में 6 महीने लगेंगे, जिसे सुनकर सारा टूट जाती है। और यहां उसे ये रियलाइज होता है कि रिफ्यूजी के लिए लाइफ कितनी मुश्किल होती है, कोई उनकी कंडीशन के बारे में परवाह नहीं करता। फिर वहीं दूसरी तरफ से स्वेन युसरा के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करता है। वो बताता है कि तुम्हारा नाम ओलंपिक्स के लिए कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन युसरा ये जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो अपनी कंट्री सीरिया को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, ना कि किसी टीम रिफ्यूजी को। फिर यहां सारा युसरा को समझाती है कि तुम्हें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसे लेना चाहिए, और अगर तुम्हें ओलंपिक्स में जाने का चांस मिल रहा है तो उसे खराब ना करो। फिर युसरा जाकर अपने कोच को बताती है कि वो टीम का हिस्सा बनना चाहती है और स्वेन उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो अपना बेस्ट ना दे देती है, और ऐसे ही मेहनत करते करते युसरा रियो ओलंपिक्स के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सारा अपने बाल काट देती है और युसरा को बताती है कि वो लेस्बोस में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगी, जो कि रिफ्यूजीज की बेसिक जरूरतों का सामान प्रोवाइड करवाते हैं। सारा रियो ओलंपिक में भी जाती है युसरा को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि युसरा अपना सपना पूरा करने जा रही थी। और वहां पहुंचकर युसरा को थोड़ा बुरा लगता है जब दूसरे एथलीट यहां बातें कर रहे होते हैं कि रेफ्यूजीज टीम कुछ नहीं है, वो बस दया की वजह से यहां पर हैं, बाकी उनमें कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन युसरा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती, और जब वो तैरना शुरू करती है तो उसे सब देख रहे थे, क्योंकि वो बहुत तेज तैर रही थी और अपने ग्रुप में सबसे आगे थी। और इसी तरह युसरा ओलंपिक में जीत जाती है। और अब यहां स्वेन को भी युसरा पर बहुत प्राउड था, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश थे कि उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। प्रेजेंट के टाइम में वो दोनों जर्मनी ही रहते हैं और उनके पेरेंट्स भी समुद्र के रास्ते होते हुए सीरिया से निकल आए हैं और उनके साथ ही रहते हैं। और सारा भी लेस्बोस रिफ्यूजी सेंटर में काम कर रही है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और भी ऐसी मूवीज के लिए डू सब्सक्राइब द हिंदी स्क्रीन।